हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमआरके राइडर पे, और मैं हूं सुनील, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज का मेरा टॉपिक है लॉन्ग राइड को लेकर। गाइस, जैसे कि आपको पता होगा, मैंने अपनी पहली लॉन्ग राइड प्लान की थी दिल्ली से लेकर राजस्थान तक की। वो मैंने अपना ब्लॉग डाल दिया, आप लोगों ने ब्लॉग देखा, ठीक है। तो ये जो ब्लॉग है वो उसी के ऊपर होने वाला है कि आखिरकार मुझे किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ा अपनी राइड को लेकर, क्या चीज़ें आई, क्या दिक्कत आई, कैसे मैंने अपने कैसे मतलब मैंने मैनेज किया, पेट्रोल से लेकर, मतलब सारी चीज़ें मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा कि मुझे किस किस चीज़ का सामना करना पड़ा। वैसे तो ओवरऑल मेरी ट्रिप बहुत अच्छी हो गई, जो मैंने एक बहुत दिनों से कहा था कि मैं खाटू श्याम जी का ब्लॉग डालूंगा और राजस्थान जाऊंगा। आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी थी जब मैंने इसको बी ए टूर रेडी किया था, जो मतलब टूर के लिए रेडी किया था, तो आपने उस टाइम उस वीडियो में देखा था कि मैंने आप लोगों को बताया था मैं जाने वाला हूँ राजस्थान। अब राजस्थान में कहाँ जाने वाला हूँ तो वो आप लोगों को पता लग गया होगा। जी हाँ, खाटू श्याम होके आ गया, वहाँ से वापस आ गया। कुछ कुछ चीज़ें हुई मेरे साथ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वो क्या हुआ है सकता। ये देवली पीएनबी बैंक, आज थोड़ा सा शांत माहौल, रश नहीं है इधर, थोड़ा सा शांत माहौल। सामने और आ जाती हूँ, शायद नोएडा से आई है, नोएडा या गाजियाबाद से आई है। किस कैसे मैं राजस्थान पहुंचा, कितने बजे चला, कितने बजे पहुंचा, ये सब चीजें मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में बताऊंगा। और मेरे मुफासा के साथ क्या हुआ, क्या मुफासा ठीक है, ठीक है वहाँ से आने के बाद, ये सब आपको मैं वीडियोस में बताऊंगा कि आखिर खानपुर हैं। अर्टिका से मेरे को याद आया, मूवी जो आई थी मेरे डैड की मारुति। सो जब तक रोड चल रही है गाइस, आप लोग गाना सुने। हे, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, कोई ना कोई चाहिए हम पे मरने वाला, दिलो जान लुटाएंगे हम तो उसी पर। पता नहीं इस पर कॉपीराइट आएगा कि नहीं आएगा, वैसे आना तो नहीं चाहिए क्योंकि म्यूजिक थोड़ी ना, मैं तो गाने गा रहा हूँ, कोई मैंने वैसे गाना थोड़ा चुराया है। अभी मेरा जो मन कर रहा है पीतमपुरा जाने का, पता नहीं क्यों। और ये देख सकते हैं आप, और आप ये देख सकते हैं जाम, खानपुर का जाम। खानपुर में तो जाम लगता ही लगता है गाइस, खानपुर में आप रोक नहीं सकते हो किसी चीज को भी, कि ना मेरी कोई मंजिल ना मेरा है ठिकाना, मैंने तो यारो सीखा कांटों से दिल लगाना। सही है गाइस। और सामने मर्सिडीज E200, वाओ, HR नंबर, आई लव इट यार। मतलब अपनी तो बस एक ही गाड़ी है, वो है जगुआर मिल जाए अपने को तो अपना, तो अपनी तो बस एक ही गाड़ी है यार, जगुआर मिल जाए अपने को। हाँ, तो मैं कहाँ था, मैं था राजस्थान के टूर पे। देखिए, राजस्थान का टूर मेरा बहुत अच्छा टूर हुआ, मैं वहाँ से
वापस भी आ गया और कुछ खर्चे हुए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं बाबा के दरबार गया था। वहां जाके खर्चा, क्या खर्चा करना क्या नहीं करना, ऐसा तो कुछ नहीं लगा मेरे को। लेकिन जिस चीज की दिक्कत हुई मुझे वो ये हुई कि हम लोग यहां से तो सही ठीक ठाक पहुंचे, लेकिन जब वहां से निकल रहे थे ना तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग मॉर्निंग में निकलेंगे। हम लोग मॉर्निंग में निकल गए। अब मॉर्निंग में हम ऐसे निकले कि 4 बजे वैसे दिया था, हाँ 3 बजे, और तोरण द्वार, जो वहां का जो तोरण द्वार है आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जानते भी होंगे, हम लोग पहुंचे तोरण द्वार। फिर वहां पर बैठे थोड़ी देर और 4 बजे, एग्जैक्ट 4 बजे हम लोग वहां से मॉर्निंग में निकल चुके थे। लेकिन दिक्कत हो गई अंधेरे की, क्योंकि यार एक तो ना सिंगल वे है वहां से, बस वहां से क्या, पूरा का पूरा आपको शाहपुरा तक सिंगल वे है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। लेकिन कोई नहीं, बस यही दिक्कत हो गई हमें सुबह, पेट्रोल की दिक्कत हो गई थी कि पेट्रोल पंप तो थे लेकिन उनमें किसी में भी खुला नहीं था, या तो ओपन नहीं था या खुला नहीं था या कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ ऐसी चीजें थी उसमें हमारे साथ हो रही थी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने मैनेज किया और हम लोग सुबह जैसे तैसे वहां से निकले। तो मेरा मानना बस यही है कि थोड़ा सा ना पेट्रोल कैरी करके ले जाना चाहिए आप लोगों को। हम लोग नेक्स्ट टाइम से, मैं जब भी कोई राइड करूंगा, मैंने डिसाइड किया है कि 5 लीटर की केन अपने पास में रखूंगा जरूर नेक्स्ट टाइम से मैं अपने पास एक 5 लीटर की केन रखूंगा,